नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि 23 मार्च 2023 के दिन चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। और दोस्तों, इस दिन धर्मशास्त्र के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सबसे बड़ा गुरुवार होने वाले हैं। जी दोस्तों, और जो भी व्यक्ति आज के इस दिन में ये 3 उपाय कर लेगा दोस्तों, उनके जीवनकाल में कभी भी अन्नपूर्णा देवी की कमी नहीं होगी। दोस्तों, अन्न धन से घर भरा रहेगा और श्री हरि विष्णु जी का शुभ आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, धन के देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से उन सभी के जीवनकाल में उनका नसीब चमक जाएगा। और दोस्तों, जो भी इन 4 बातों का ध्यान रख लेगा दोस्तों, उनके जीवनकाल में कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी कोई भी दुख, कोई भी संकट नहीं आने देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहें तो दोस्तों, उनके जीवनकाल में लाभ के नए नए दरवाजे खुल जाएंगे। और दोस्तों, जो भी संकट समस्याएं उनके जीवनकाल में पिछले कई वर्षों से चल रही है दोस्तों, वे सभी समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के जीवनकाल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना आवश्यक है दोस्तों, अगर आप इन बातों को समझ गए हैं तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और अपने घर परिवार की भलाई के लिए, अपनों की भलाई के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि धर्मशास्त्र के अनुसार पिछले 72 साल पहले ही ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ था, जब दोस्तों चैत्र नवरात्रि के दूसरा दिन गुरुवार का दिन पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, और बड़ा गुरुवार होने के साथ साथ ग्रहों के बीच बहुत ही प्रबल स्थिति बन रही है, जिनके कारण दोस्तों आपकी राशि के लिए यह 24 घंटा का समय बहुत ही भाग्यशाली समय होगा। और जो भी भक्त, जो भी जातक इस दिन ये 4 उपाय कर लेगा दोस्तों, उनके जीवनकाल में अन्नपूर्णा देवी की कभी भी कमी नहीं होगी और धन के देवता भगवान श्री विष्णु जी हमेशा उनके जीवनकाल में बुद्धि की बारिश करेंगे, उनके घर परिवार में खुशियों की बारिश करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो को जो भी जातक मिस कर देगा दोस्तों, वो अपने जीवनकाल में अपने नसीब को ही कोसेगा। और दोस्तों, जो भी जातक समझदार और सही समय में सही कार्य करेगा दोस्तों, वे अपने नसीब पर हमेशा खुश रहेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नसीब और ईश्वर सबको मौका नहीं देता है। जो भी जातक अपने जीवनकाल में अच्छे कार्य, अच्छे व्यवहार और अच्छे धर्म मार्ग पर चलते हैं दोस्तों, उन्हीं के जीवनकाल में ऐसे रास्ते आते हैं और उन्हीं के ही जीवनकाल में ऐसे उपाय भी काम करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी भगवान श्री विष्णु जी के, अन्नपूर्णा देवी, माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अभी कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी, जय श्री विष्णु जी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान श्री विष्णु जी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। घर की समस्याएँ, घर की चिंताएँ सभी समाप्त होंगी भगवान श्री विष्णु जी के आशीर्वाद से, माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से। धन्य धान्य से घर आपका परिपूर्ण होगा, घर परिवार में खुशियों की बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं। सर्वप्रथम दोस्तों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय इस दिन आपको कौन सी करना चाहिए दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा की दूसरी शक्ति माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है। इस वर्ष या 23 मार्च 2023 को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से श्याम और त्याग की भावना जागृत होती है, जो कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि चैत्र नवरात्रि पर अखंड ज्योति स्थापित करने का काफ़ी महत्व है, लेकिन दोस्तों अगर इस अखंड ज्योति को दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ रखा जाए तो घर के सदस्यों को सेहत में उत्तम लाभ रहती है और दोस्तों वे हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करते हैं। इस दिन जो भी जातक माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करके 5 सुपारी को लाल कपड़े में बांधकर माता के चरणों में चढ़ाकर और सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साध्य के शरणीय त्रियंबे के गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जाप करें दोस्तों, मान्यता है कि श्री माँ अम्बे से जुड़ी जो भी बाधाएं हैं, माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी जो भी बाधाएं हैं, वह दूर हो जाती है। शादी दोस्तों, दूसरा कौन सा महत्वपूर्ण उपाय आपको करना चाहिए, नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर कुमकुम से माता के चरण बनाकर रख दीजिएगा दोस्तों, इससे माता का चरण आप सभी के घर के अंदर की तरफ आएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इनसे आपके घर में धन की प्राप्ति होगी, माता रानी का कृपा प्राप्त होगा।
शादी। दोस्तों आपको नवरात्रि के 9 दिन सच्चे मन से पूजा अर्चना करने से आपके घर में जो भी वास्तु दोष है उनका अंत होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यश में आप श्रद्धा व्यक्त कीजिएगा। सच्चे हृदय भाव से जो भी आपके पास हो उनसे माता को प्रसन्न करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इसे माता जल्द ही आपके प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में हमेशा खुशहाली प्राप्त होगी, घर परिवार खुशहाल रहेंगे। शादी दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपके पास आप सक्षम हैं तो दोस्तों पूरे विधि विधान से ही माँ का पूजन करें, इनसे दोस्तों आपको अनन्य लाभ की प्राप्ति होगी। शादी दोस्तों यश में चित्र नवरात्रि के दिन आपको माता को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध घी के हलवे का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों ऐसा करने से आपको निरोगी काया का वरदान भी प्राप्त होगा। और दोस्तों इस नवरात्रि आप जरूर ही माँ के लिए शुद्ध देशी घी का हलवे का भोग लगाएं। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय आप 9 में से किसी भी दिन कर सकते हैं। शादी दोस्तों आपको बता दें कि जब भी नवरात्रि का समय प्रारंभ होता है और दोस्तों कोई भी जातक कोई भी केशा भी हो, अपने जन्मकाल में कितनी भी गलती क्यों ना किया हो, अगर दोस्तों वह सच्चे मन से अपने घर में माता के प्रति श्रद्धा रखकर घर में कपूर जला दे, दोस्तों इनसे उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। जी हाँ दोस्तों, घर से जो भी दुष्ट काया है वह बाहर आ जाएगा। और दोस्तों यश में यह उपाय आपको जरूरी करना चाहिए, इसे दोस्तों आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है उनका विनाश हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस नवरात्रि के दिन आप माँ दुर्गा की पूजा करने के बाद ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विक्षे का 108 बार जाप करना है। दोस्तों कहते हैं कि इसके उच्चारण से माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है और ग्रहों की भी जो पीड़ा होती है वह समाप्त होती है। ग्रहों से जो भी आपको दुख कष्ट मिलते हैं दोस्तों उनसे राहत मिलती है, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। शादी दोस्तों नवरात्रि के 9 रातें साधना ध्यान व्रत संयम नियम यज्ञ त्राटक योग आदि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से आपका मन शुद्ध हो, रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। रात्रि में कई तरह के अवरोध खत्म होते हैं, इसमें शांत मन से की गई माता रानी की पूजा शीघ्र ही फल प्रदान करती है। मान्यता है इस दौरान मंत्र जाप करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है और जो भी शत्रु बाधा खड़े करते हैं उनसे छुटकारा प्राप्त होता है। साथी दोस्तों आपको बता दें कि घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए नवरात्रि में आप इन उपाय को कीजिएगा। दोस्तों नवरात्रि में 9वें दिन यानी कि महानवमी पर 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें भोजन कराने के बाद उनसे आशीर्वाद लें। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद ही विदा कीजिएगा। दोस्तों मान्यता है कि श्री देवी माता प्रसन्न होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, शुक्र समृद्धि आती रहती है और जो भी दोष है जीवन काल में वे सभी दूर होते हैं। साथ ही दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि धन लाभ के लिए आपको यश में इन उपायों को करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पहले कवच कीलक और अर्गला स्रोत का आपको पाठ करना है, फिर कुंजिका स्रोत का पाठ करना है। जी हाँ दोस्तों, मान्यता है इससे दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। ये पाठ को सिद्ध करता है कि कभी भी धन की कमी नहीं होगी और सुखी की कभी भी कमी नहीं होगी। जो भी जातक अपने जुनकाल में नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन इन्हीं का पाठ कर ले दोस्तों उनका जीवन तो धन्य हो जाता है। शादी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इस चित्र नवरात्रि पर बहुत ही बड़ा शुभ योग का भी निर्माण होने वाला है, जिनसे दोस्तों आप शिव की राशि में ईश्वर का तो आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिनसे दोस्तों आप शिव के जुनकाल में भी बहुत अच्छे बदलाव होंगे। और इनमें आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों आगे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो दोस्तों आगे भी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्रि के प्रारंभ से ही इस वर्ष उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस नक्षत्र के स्वामी शनि है और इस नक्षत्र के सभी राशियों को ज्ञान खुशी और सौभाग्य प्राप्त होगा। यश में ईश्वर का आशीर्वाद के साथ साथ आप शिव के जुनकाल में ग्रहों का भी आपको शक्ति प्राप्त होगी, ग्रहों का भी आपको साथ प्राप्त होगा, जिनसे दोस्तों आप शिव के जुनकाल में बड़े ही महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। दोस्तों कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी, कौन कौन सी बातों का आपको इन दिनों में ध्यान रखना है ताकि ग्रहों का कभी विफल फल आपको ना मिले, दोस्तों चलिए बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपके जुनकाल में बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं।
जी हाँ दोस्तों, यश में शनि की जो स्थिति होगी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और शनि का लाभ यश में आपको मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों यश में आप शनि के कुछ महा उपायों को भी जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इनमें आप सक्षम हो। दोस्तों आपको सबसे सरल उपाय बता दें कि यश में आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आप यश में गरीबों को किसी काली चीज का दान जरूर कीजिएगा, जैसे कि अन्न हो गए, वस्त्र हो गए, काले जूते, काले कपड़े, कुछ भी आप दान कर सकते हैं। साथ ही एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ का आप दान करते हैं दोस्तों, उनमें आपका मन सम्मिलित होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मन से किया गया दान सबसे बड़ा दान होता है, तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यश में आपका जो जीव है वह तेज रहेगा और मानसिक तार्किक है, लेकिन आपकी यह योग्यता आपके लिए काफ़ी असुरक्षित प्रवृत्ति के कारण भी प्रभावित हो सकती है। हमेशा की तरह बचाव का विरोध करने के स्थान पर उसके साथ चलें। आप सभी को बता दें कि आपको अनुभव से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। यश में आपको अभिमान से आपको कुछ नहीं मिलेगा, बाद में आप अच्छा और आत्मविश्वास से भरा हुआ अनुभव करने वाले हैं। यश में आपका स्वास्थ्य और जो कल्याण होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका स्वास्थ्य के लिए समय लाभदायक और शारीरिक मेहनत वाला कार्यक्रम आपके लिए किस प्रकार फायदेमंद साबित हो रहा है ये आपको अब दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर आप किसी डाइट कार्यक्रम का पालन कर रहे हैं तो आपको अपना वजन घटता या फिर बढ़ता दिखाई देगा, जिसा भी आप चाह रहे हैं। आपका एक्सरसाइज कार्यक्रम भी बिल्कुल ठीक है और उससे हो रहे आपका जो फायदा है वो आपको नजर आएगा। दोस्तों इससे आपको और भी अच्छे और नियमित रूप से अधिक शारीरिक मेहनत करने की प्रेरणा मिलेगी। साथ ही आपके प्यार और आपके संबंध राशि फल की बात करें तो दोस्तों यश में आपके किसी आकर्षक अजनबी से अजीब और छोटी सी मुलाकात हो सकती है। आप आसानी से अपनी मीठी बातों से उन्हें आकर्षित कर सकते हैं और आकर्षण से उनकी तरफ आप खींचे भी जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ इन्वॉल्व भी हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसे संबंधों को किसी रिश्ते में तब्दील होने की उम्मीद मत कीजिए। कोई गहरा अर्थ तलाश करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों फ्लर्ट का मौसम है और आप अभी इसका मजा ले सकते हैं। साथ ही आपके करियर और धन राशि फल की बात करें तो आप सफलतापूर्वक अपने रचनात्मक कार्यों को खत्म करने में सक्षम होंगे। यश में जश्न मनाने के लिए या फिर पार्टी करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए आप योजना बना सकते हैं और जिन्होंने भी आपको इस यात्रा में समर्थन किया है दोस्तों उन्हें अपने जीवनकाल में जरूर बुलाइएगा। साथ ही अपने विरोधियों को भी समारोह में आमंत्रित करें, इनसे उन्हें आपकी अच्छाई दिखाई देगी। और साथ ही आपको बता दें कि उन्हें बहुत ही बड़ा अफसोस भी होगा कि ये आपकी वह खामियां निकालते थे। दोस्तों अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने की भी आप प्रयास करें, इनसे आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों कुछ ऐसा समय आप सभी के लिए रहने वाले हैं। धन्यवाद।